कलश स्थापन करें। कलश स्थापन की सही जगह है ईशान कोण, जो कि उत्तर और पूर्व का थोड़ा सा कोना सा है। उधर ईशान कोण में यह कलश संपदा को बढ़ाता है, ऋण मुक्त करा देता है। यूं तो पूजा करते समय लोगों का मुंह दक्षिण में भी कर लेते हैं, मां का मुंह उत्तर में होता है, लेकिन सबसे बढ़िया शुभ है तो वह नवरात्रा में पूजा करने वाले का मुख है, वह पूर्व दिशा की तरफ हो। माता की पीठ पूरब में हो और उनका मुख पश्चिम में हो तो यह बहुत ज्यादा शुभ है। नारियल के ऊपर कलावा बांधे। बाजार में एक लाल कपड़ा मिलता है, उसको टूल कहते हैं, उसको बांधे, कलश के ऊपर स्वस्ति बनाए। कलश स्थापन की बात कल भी मैंने निवेदन की है, उसके ऊपर नारियल है, जटा वाला नारियल रखें और आपसे बने तो यह नवरात्रा में आप व्रत कर लीजिएगा। कई प्रकार के व्रतों का वर्णन किया, उसमें एक भुक्त व्रत भी है। एक भुक्त का मतलब है कि संध्या को आरती होने के तत्पश्चात एक बार भोजन करें। जो नवरात्रा में एक बार भोजन करते हैं, जब तक सूर्य दिखाई देता है तब तक वो अन्न नहीं खा सकते। सूर्य के अस्तांचल जाने के तत्पश्चात, आरती होने के तत्पश्चात, ऐसा नवरात्रा का व्रत है, तो एक बार भोजन लेते हैं और रात्रि को ही लेते हैं। इसमें कई प्रकार व्रत के बताए हैं, जो कि श्रीमद देवी भागवत में बहुत विस्तार पूर्वक ये बातें कही गई हैं, और वो बातें मैं आज ही आपके बीच में मैं निवेदन कर देता हूं। आप फलियार के ऊपर आप व्रत करते हैं तो फलियार भी ऐसा लीजिए जिसमें आपको वासी ना आवे, दिन में नींद ना आवे, ऐसा उपाय, ऐसा उपवास। और वह व्रत बड़ा अपने आप में अद्भुत हो जाता है, जिसमें दुग्ध और फल ही लिया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं लेते, ज्यादा विशेष अपने आप में हो जाता है। नवरात्रा में लवंग और इलायची लेने की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए बहुत लोग पूरा नवरात्रा का व्रत सिर्फ लौंग लेकर के कर लेते हैं। तपस्वियों की तो बात ही अलग है, सिर्फ लवंग लेकर के, लवंग का जोड़ा लेकर के वह पूरा का पूरा नवरात्र कर लेते हैं। इसमें इलायची, इलायची के द्वारा मुख में दुर्गंध नहीं रहती किसी भी प्रकार की। कोई भी अनुष्ठान हम करते हैं तो उसमें मुख शुद्धि की जरूरत होती है, और इलायची लवंग को मुख शुद्ध्यर्थम में लिया गया है। देवताओं को भी चढ़ाते हैं तो कहते हैं मुख शुद्ध्यर्थम, इसके द्वारा मुख की शुद्धि होती है। तो नवरात्रा के व्रत में, हवन में, यज्ञ में, आहुति में भी लवंग इलायची की बड़ी महिमा है। आप अपने घर पर भी यज्ञ कराते हैं तो बहुत ध्यान से सुनिए, दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय, हर अध्याय के समाप्त पर खड़े होकर के आहुति डाली जाती है। एक ऐसा नवरात्रा का ही तो अनुष्ठान है जिसमें यजमान खड़े होकर अध्याय की पूर्ति पर आहुति डालता है, हर अध्याय पर खड़े होकर के वह उसकी आहुति डालता है। और अध्याय के समापन पर जब तक लवंग और इलायची नहीं डाली जाती तब तक माता रानी के उस अध्याय का यज्ञ पूरा नहीं माना जाता, इतनी बड़ी महिमा है। माता को आप 9 नारियल हरे वाले, जिसको अंदर पानी बाहर जटा है, मां के दरबार में 9 नारियल आप रखें। आपका अनुष्ठान विशेष होगा तो नारियल चटक जाएगा, फट जाएगा, उसमें से पानी रिसेगा। यदि ऐसा होता है तो आपका अनुष्ठान बड़ा अद्भुत हो रहा है, बड़ा दिव्य हो रहा है, चटक